यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण जोर शोर से चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां मुरादाबाद में वार्ड 51 से एडवोकेट मोहम्मद फहीम की पत्नी निगार फहीम चुनावी मैदान में हैं और जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के पूर्व विधायक हाजी ग्राम कुरैशी वार्ड 51 में पहुंचे और पार्षद प्रत्याशी पति एडवोकेट मोहम्मद फहीम का कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधायक इकराम कुरैशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाला वक्त युवाओं का है और हमारे वार्ड 51 से युवा फहीम वकील खड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से फहीम के लिए वोट मांगे और कहा कि अगर आपके ने हक की कोई आवाज अगर कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करें। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे, जहां अहमद खान पूर्व विधायक हाजी ग्राम कुरैशी एडवोकेट फहीम आदि मौजूद रहे। देखिए वार्ड 51 से कांग्रेस पार्टी से नौजवान नेता हमारे फहीम वकील साहब मैदान में है। ऐसे नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, ऐसे नौजवानों को ताकत देनी चाहिए मोहल्ले को और वार्ड को। किसी भी वक्त में जो वकील है एडवोकेट है वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बहुत मजबूती से उठा सके। मैं पूरे वार्ड 51 से और पूरे महानगर से ये अपील कर रहा हूँ कि अब वक्त आ चुका है, कांग्रेस के साथ आ जाएं, हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत बनाएं, इमरान प्रतापगढ़ी जी के हाथों को मजबूत बनाएं। आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा में जिस तरह से बोल रहे हैं हमारा सीना चौड़ा होता है। अब हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मजबूत करेंगे, प्रियंका गांधी को मजबूत करेंगे, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो इस देश को मजबूत कर सकती है, इस देश को बिकने से बचा सकती है, इस देश को टूटने से बचा सकती है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ सबको खड़ा हो जाना।